हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी एमटीएस के 5 अगस्त के कुछ इंग्लिश क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स ने मेल के थ्रू भेजे हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। देखिए, एक ये क्वेश्चन है एप्रीहेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर वीडियो क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। इसके दो मीनिंग होते हैं। इसका एक मीनिंग होता है अरेस्ट करना किसी को, और इसका एक मीनिंग होता है किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना या ग्रेस्प करना। तो दो मीनिंग होते हैं इसके। एक होता है अरेस्ट एप्रीहेंड का, और एक होता है ग्रेस्प समथिंग और अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, एप्रीहेंड, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी होता है समझना, जिसका नाउन फॉर्म होता है कॉम्प्रीहेंशन। तो इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखिए। इसमें मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा फोर्थ कमिंग एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए, एक ये वन वर्ड का क्वेश्चन आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है। एक सेंटेंस दिया है, द यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी, एग्जेजरेशन और रिडिक्यूल टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपुल्स स्टूपिडिटी। एक व्यक्ति की मूर्खता को दिखाने के लिए, उसको क्रिटिसाइज या उसको एक्सपोज करने के लिए हम ह्यूमर का प्रयोग करते हैं। जैसे कवि लोग होते हैं, पोइट लोग, वो ह्यूमर का प्रयोग करते हैं या व्यंग करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेटायर बोलते हैं। ये एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर में यूज होता है, इसको हम सेटायर बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर एंड सिमिली, ये भी इंग्लिश लिटरेचर में यूज होते हैं, लेकिन इनका इम्प्लीकेशन जो है वो अलग है। ठीक है, इनका मीनिंग अलग है। तो यहां पर इसका आंसर होगा सेटायर। ये करेक्ट स्पेलिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैं बार बार स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि डबल लेटर जो वर्ड्स होते हैं और जिसमें ई और आई में कन्फ्यूज़न होता है, या ट्रिपल लेटर जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह के वर्ड्स करेक्ट स्पेलिंग में आपसे ज़रूर ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करें। सैटेलाइट की क्या स्पेलिंग है, एस ए टी ई डबल एल आई टी ई। आई थिंक फोर्थ इसकी सही स्पेलिंग है, SATE LLITE। डिलेमा, इसको डायलेमा भी बोलते हैं, डिलेमा भी बोलते हैं, और इसमें इसका मतलब होता है डाउट या कन्फ्यूज़न या संशय की स्थिति। ठीक है, कि किसी सिचुएशन में हमें समझ में नहीं आता कि हम ये करें या ये करें, डिलेमा उसको हम बोलते हैं। उसको शुद्ध हिंदी में दुविधा बोलते हैं, दुविधा। तो DILE MMA इसकी सही स्पेलिंग है, DILE MMA। ठीक है, बाकी की स्पेलिंग गलत है, आप ध्यान से देख सकते हैं। DILE MMA आई थिंक गलत सही स्पेलिंग है इसकी। इम्फेसाइज मतलब जोर देना किसी पर, तो इसमें जो हम सही स्पेलिंग मानेंगे वो हम मानेंगे EMPHASIZE SIC भी होता है, लेकिन वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। तो आपको ऑप्शन क्या दिया है ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सेकेंड जो स्पेलिंग है वो सही है। अब देखिए, एक ये पूछा गया है idiom, बी द कैट्स whisker। ये थोड़ा सा नया idiom है, और SSC के अब जितने भी एग्जाम्स होंगे आगे, चाहे MTS हो या CGL हो, उसमें फ्रेश कंटेंट पूछा जाएगा। उसमें मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर का कंटेंट कम पूछा जाएगा। बी द कैट्स whisker, इसका मतलब होता है किसी चीज का काफी एंजॉयबल होना, टू बी हाईली एंजॉयबल। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। वर्ड्स ऑफ द सेम फैदर, मतलब देखिए, इसका अगर लिटरल सेंस में मीनिंग निकालें तो इसका वर्ड्स का मतलब होता है पक्षी या चिड़िया, फैदर का मतलब होता है पंख, मतलब ऐसी चिड़ियाएँ, ऐसे पक्षी जिनके फैदर एक जैसे हैं, जिनके पंख एक जैसे हैं। तो इसका जो फिगरेटिव मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि ऐसे लोग जिनकी आदतें, जिनका करेक्टर, जिनका नेचर एक जैसा है। ठीक है, इसमें एक idiom और बनता है, बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब जिन लोगों का नेचर एक जैसा होता है वो लोग साथ में रहते हैं, या साथ में कंपनी उनकी उनको वो पसंद करते हैं। तो वर्ड्स ऑफ द सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर भी होता है, वर्ड्स ऑफ द सेम फैदर भी होता है। तो इसका आंसर होगा पीपल ऑफ द सेम करेक्टर, एक जैसे नेचर के, एक जैसे करेक्टर के दो या दो से अधिक व्यक्ति। ठीक है, ग्लूमी का एंटोनिम पूछा गया है, ग्लूमी का क्या मतलब है। सपोज आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो आपकी जो कंडीशन होगी वो ग्लूमी होगी, आप दुखी होंगे, सैड होंगे अंदर से। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा हैप्पी और चीयरफुल, एंटोनिम पूछा गया है।
तो हालांकि सिनोनिम तो इसका सैड होगा, लेकिन एंटोनिम इसका होगा हैप्पी एंड चीयरफुल। इमेंस का मतलब क्या होता है? इट अफेक्टेड मी इमेंसली, ठीक है। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इमेंसली इसका एडवर्ब फॉर्म है और इमेंस ये एडजेक्टिव है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो ह्यूज हो सकता है, जाइगेंटिक हो सकता है, इनॉर्मस हो सकता है। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो सकते हैं। जो भी आपको आपके एग्जाम में मिला है वो इसका आंसर होगा। करेक्ट स्पेलिंग के ये दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं, एक है जेन्युइन और एक है इंटेलिजेंट। जेन्युइन का मतलब होता है असली, फेक नहीं। इसका इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा फेक। तो जेन्युइन की स्पेलिंग है GENUINE, ये फर्स्ट वाला इसका सही आंसर होगा। इंटेलिजेंट की सही स्पेलिंग है INTELLIGENT, ये इंटेलिजेंट की सही स्पेलिंग है और ये जेन्युइन की सही स्पेलिंग है, ठीक है। ये कुछ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हैं, ये भी मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, और हो सकता है ये पहले किसी शिफ्ट में पूछे गए हों, 5 से पहले जो एग्जाम्स हुए हैं। बिवेयर ऑफ ए फेयर वेदर फ्रेंड हु इज नीदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड इन डीड। मतलब एक ऐसे फ्रेंड से हमें सावधान होना चाहिए जो फेयर वेदर फ्रेंड है, मतलब जब आपका समय अच्छा होता है तब वो आपके काम आता है और जब आपका समय बुरा होता है तब वो आपको काम नहीं आता है। फेयर वेदर फ्रेंड इसी को हम बोलते हैं, हु इज नीदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड। नीदर के बाद इसमें फ्रेंड आ रहा है और नॉर के बाद भी अ फ्रेंड आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। और नीदर अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है तो सिंगुलर वर्ब भी इसमें सही है। तो इस सेंटेंस में आपका आंसर होगा डी, यानी नो एरर इस सेंटेंस में, ठीक है। अ कोजेंट रिमार्क कंपेल्स एक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफ देयर सेंस एंड लॉजिक। इसमें आप ध्यान से देखिए, कोजेंट रिमार्क कैसा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ए किससे पहले हम लगाते हैं? ए हम लगाते हैं सिंगुलर नाउन से पहले, इसका मतलब ये सिंगुलर है। ए लगा हुआ है इसका मतलब ये सिंगुलर है। किस किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? मैं रिमार्क की बात कर रहा हूँ। रिमार्क एक नाउन है और इस रिमार्क को मॉडिफाई कर रहा है कोजेंट। कोजेंट एक एडजेक्टिव है। कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग, ठीक है, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी कन्विंसिंग। जैसे कोई स्टेटमेंट कोई व्यक्ति देता है तो वो काफ़ी कन्विंसिंग या इफेक्टिव होता है, तो उसको हम बोलते हैं कोजेंट रिमार्क। अब चूंकि कोजेंट रिमार्क सिंगुलर है तो इसलिए यहां पर देयर नहीं आएगा, यहां पर आएगा इट्स, ठीक है। अगर कोजेंट रिमार्क्स होता, बहुत सारे रिमार्क्स होते तो फिर देयर आता, यहां पर ये देयर नहीं आएगा। और देयर जो पार्ट किस पार्ट में है? ये सी पार्ट में है, तो सी इसमें आपका आंसर होगा। तो बिबेयर वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं। आर वेदाज एंड उपनिषद आस्क अस अस टू ट्रेड द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। हमारे जो वेद हैं और हमारे जो उपनिषद हैं वो हमसे बोलते हैं कि हम ईमानदारी के पथ पर चलें, ठीक है। ट्रेड का मतलब होता है चलना, ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये तो सही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक वर्ड देखिए, इसमें एक वर्ड देखिए आस्क। आस्क का मतलब होता है कहना या रिक्वेस्ट करना या पूछना। तो हमारे वेद और उपनिषद ने हमसे कहा है कि हम ऑनेस्टी के पथ पर चलें। तो क्या उन्होंने ऐसा केवल पास्ट में कहा है? क्या अब वो ये बात नहीं कहते? वो अब भी ये बात कहते हैं। रामायण और महाभारत पुराने जमाने में भी हमसे ऑनेस्टी की बात करते थे और अब भी हमसे ऑनेस्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट को हम लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि यहां पर किसी घटना की बात नहीं हो रही है। पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं हम किसी घटना को बताने के लिए, लेकिन ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसा तो हमेशा होता है। तो इसलिए हम आस्ट के स्थान पर ASKED के स्थान पर ASK का प्रयोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो काफी ये ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखते हैं, ही वॉजंट जस्ट इनकंसिडरेट, ही वॉज डाउन राइट रूड टू। इनकंसिडरेट का मतलब होता है दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करने वाला, ठीक है। रूड का मतलब होता है गमार या इनडिसेंट। डाउन राइट का मतलब होता है पूरी तरीके से। ही वॉजंट जस्ट इनकंसिडरेट, ही वॉज डाउन राइट रूड टू। तो सही है ये क्वेश्चन, इसमें कोई गलती नहीं है और यहां पर आपका आंसर होगा डी।
ये कुछ वर्ड्स पूछे गए हैं कॉमिक, ये 5 तारीख को नहीं पूछे गए, कुछ पहले वाले शिफ्ट में कुछ पूछे गए हैं ये वर्ड्स। कॉमिक का मतलब क्या होता है? ह्यूमरस, आपको हंसाने वाला, जो आपका मनोरंजन करे, आपको हंसाए, उसको हम बोलते हैं कॉमिक या कॉमिकल। चाइल्ड, ये एक वर्ड पूछा गया है, इसका मतलब होता है डांटना, और इसके लिए रेप्रीमांड एक काफ़ी अच्छा वर्ड है। क्लस्टर का मतलब होता है गैदर, इकट्ठा करना, इसको हम हडल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी से मिलते जुलते कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। कडल का मतलब होता है जैसे जैसे एक बच्चा होता है, एक प्यारा सा बच्चा होता है, उसको हम प्यार करते हैं, गोदी में ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कडल, ठीक है। मडल का मतलब होता है जंबल कर देना, चीज़ों को आपस में मिला देना, ठीक है। और मेटल का मतलब होता है इंटरफियर। हडल का मैंने बता ही दिया है आपको, हडल का मतलब होता है आपस में इकट्ठा होना, ठीक है। तो कडल, मडल, हडल और मेडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कडल का मतलब प्यार करना, किसी को भी नॉर्मली बच्चे के सेंस में यूज़ करते हैं। मडल का मतलब जंबल्ड अप, हडल का मतलब इकट्ठा होना, मेडल का मतलब इंटरफियर, हस्तक्षेप करना। तो ये कुछ वर्ड्स फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ये पहले की शिफ्ट में पूछे गए हैं। एट स्टोन्स थ्रो, एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है जब हम पत्थर फेंकते हैं तो वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जाता है, उसको हम बहुत दूरी तक नहीं फेंक सकते, इसलिए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दो लोगों में जब दुश्मनी होती है, बिटर एनिमिटी, कड़वाहट होती है, तो उसको हम बोलते हैं डैगर्स ड्रॉन। डैगर हम बोलते हैं एक भाला टाइप का एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मारने के लिए होता है वो, डैगर्स, ठीक है। डैगर्स ड्रॉन मतलब दो व्यक्ति खड़े हैं और आपस में अपनी अपनी तलवार उन्होंने खींच लिए और आपस में लड़ने को तैयार हैं, तो इसके इसका सेंस जो निकलता है वो निकलता है बिटर एनिमिटी का, ठीक है। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मतलब टाइम को, पैसे को, रिसोर्सेस को लापरवाही से खर्च करना, स्पेंड रेकलेसली, रेकलेसली मतलब होता है लापरवाही, ठीक है। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ये कुछ वॉइस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस है जिसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव को जब पैसे में हम चेंज करेंगे तो गुड न्यूज जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और चूंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए इसमें हम वॉज का प्रयोग करेंगे और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। गुड न्यूज वॉज एक्सपेक्टेड बाय हर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है अ रेड ग्लास वॉज ब्रोकन, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि इसमें वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो थर्ड, ये इसका मतलब पैसिव वॉइस है। अब पैसिव को आपको एक्टिव में चेंज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एसएससी एग्जाम्स में। अ रेड ग्लास वॉज ब्रोकन बाय समबडी, बाय समबडी जो है ये यहाँ पर छुपा हुआ है, बाय समबडी, ठीक है। तो समबडी से इसका सेंटेंस बनेगा, समबडी ब्रोक अ रेड ग्लास। चूंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इसमें यूज करेंगे, समबडी ब्रोक अ रेड ग्लास। तो इस तरीके से ये 5 अगस्त के कुछ क्वेश्चंस हैं और आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट टाइम यदि इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप मेरी एक पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, 90% तक आप स्कोर करना चाहते हैं MTS में या CGL में, तो उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।